नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लौट कर विपक्ष थर्ड फ्रंट पर आया, ये इसलिए कहने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि बीजेपी अपनी जीत के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि मोदी वर्सेस ऑल की ये लड़ाई अगर शुरू करें तो कैसे करें। अब तीसरा मोर्चा फिर से सिर उठा रहा है। मोदी के विजय अभियान से परेशान विपक्ष ने एक होने की तैयारी शुरू की है, जिसकी शुरुआत इस बार दक्षिण के तेलंगाना से हो रही है। इधर उत्तर में मायावती कह रही हैं कि बीजेपी को हराना जरूरी है, तो क्या सियासत के इतिहास में हमेशा नाकाम रहा तीसरा मोर्चा एक बार फिर से धरातल पर अपने पांव रख सकेगा मोदी को हराने के लिए। मेरे देश का नॉर्थ ईस्ट आज विकास की इस यात्रा का शायद देश में नेतृत्व करने के लिए आगे आया है। जब सुदूर उत्तर पूर्व के त्रिपुरा में भगवा विजय की तुरही बज उठी तो भारत के सभी कोने खांचों में बचे राजनीतिक दलों के दिल धड़धड़ाने लगे। दक्षिण के पांव और पूर्व के एकाध प्रदेशों को छोड़कर लगभग पूरे भारत में मोदी मंत्र गूंज रहा है और विपक्ष के सीने में शून्य का हाहाकार है। इसलिए के चंद्रशेखर राव से लेकर मायावती तक विचलित हैं, उनके कड़वे पुराने अनुभव धूमिल पड़ रहे हैं, राजनीति के दो ध्रुवांत एक होने को सज रहे हैं। कि हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस उपचुनाव में भी इन दोनों लोकसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतारे हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों से एक सुगबुगाहट हुई है जिसने सबको अंतिम विकल्प की तलाश में झोंक दिया है। क्या मायावती और क्या ओवैसी सभी एक ही जुबान में जुम्बिश कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मुल्क में लोग बीजेपी के गवर्नेंस से परेशान हैं, कांग्रेस कोई वायबल अल्टरनेटिव बन नहीं पा रहा है और ना बन सकता। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि रीजनल पार्टीज जब कभी भी आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। तीसरा मोर्चा न जाने कब से पैदा हो रहा है, लेकिन हर बार इसके गर्भाधान में गंभीर गड़बड़ी हो गई। 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिरी तो इस मोर्चे का विचार पनपा, लेकिन विचार धरती पर पनपाए न जा सके। पहले वो कांग्रेस के विरोध के लिए पनपता था, अब विरोध बीजेपी का है। अगर सेक्युलर पार्टीज डिवाइड हो गए, सेक्युलर वोट्स डिवाइड हो गए तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य खतरे में होगा। ये तीसरा मोर्चा तो 2014 में भी सिर उठा रहा था, एक मंच पर कई महारथी मिले भी, मायावती, ममता, लालू, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, सब ने समर्थन के वादे किए, लेकिन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के सम्मेलन की सभी संभावनाएं मुलायम ने सख्ती से मिटा डाली। फिर धीरे धीरे सभी पंछियों ने अपने अपने नीड बदल डाले। थर्ड फ्रंट के प्रयास पहले भी हुए हैं और सभी प्रयास असफल हुए हैं, चूंकि उसमें कोई निश्चित नेता और कार्यक्रम नहीं होता। इस बार तीसरा मोर्चा की संभावनाओं पर दक्षिण से विचार शुरू हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया और लोगों ने कहा शुभस्य शीघ्रम। अगर इस तरह का माने प्रयास होता है तो कोई भी समझदार आदमी उस प्रयास का स्वागत करता है, हम भी उनके इस बयान का समर्थन करते हैं तो, और सामने हम इंतजार करेंगे कि उनका एजेंडा क्या है। तीसरा मोर्चा कैसे बनेगा, कौन नेता होगा, कितने दलों के दिल मिलेंगे, ये सभी सवाल बहुत मुश्किल हैं। कर्नाटक से ही स्थिति साफ हो जाएगी। बेमेल नदियां साथ चलती हैं, बेमेल सियासतदान के साथ चलने का बहुत लंबा इतिहास नहीं है। स्वार्थ सबका ऊंचा है, भला कौन कब तक झुक कर रहेगा, यक्ष प्रश्न तो ये है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रियंका चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। केसी त्यागी जी हमारे साथ, वरिष्ठ नेता सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे और बड़े दिनों बाद सुधींद्र भदौरिया जी आज बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हल्ला बोल में शामिल हो रहे हैं। और संबित जी, आपने तो मोर्चा दिल्ली के स्टूडियो में ही आकर संभाल लिया है, हमारे नोएडा के स्टूडियो में। मेरा पहला सवाल आप ही से है। देखिए, अब विपक्ष एकजुट हो रहा है, उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मोदी को हराना है तो निकाय चुनाव में अगर जरूरत पड़े तो बीएसपी और एसपी भी इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब
इस बार रणनीति, और मत बोलिएगा कि नामुमकिन है, क्योंकि बिहार ने दिखाया मुमकिन है। देखिए दो चीजें कहूंगा, अंजना जी आप बिहार की बेटी हैं, मैं बिहार को समझता हूं, मैं आपसे बिहार के लिए बिहार के लहजे में एक बात कहना चाहता हूं। वहां पर जो बिहार में है एक लोकोक्ति है, एक मुहावरा है कि जब बाढ़ आता है ना तो पत्थर पे सांप और बिच्छू एक ही साथ बैठ जाते हैं। उस समय जो सांप है वो ना तो फुफकारता है और बिच्छू ना तो डंक मारता है। हम किसी को सांप बिच्छू नहीं कहना चाहते हैं, मगर मुहावरा बता रहे हैं जो पूरे पूर्वांचल और बिहार में चलता है, और जैसे ही बाढ़ खत्म हो जाता है तो फुफकारता है और काटता भी है। अब देखिए मैं सभी पार्टियों का सम्मान करता हूं, मगर जो सुनामी आया है मोदी वेव, उसके कारण से हमने देखा जो परिस्थिति आज उपज हो रही है। बुआ बबुआ हंसुआ, हंसुआ मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी हंसुआ, और सब ले डुबुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, सब ले डुबुआ कौन है, जिसका भी स्पर्श करता है उसका पराभव होता है, वो डूब जाता है। अभी देश में नहीं है, खैर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये सारे भी एक हो जाएंगे तो भी हिंदुस्तान के विकास के रथ को रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि आज गरीब, आज मजदूर, आज मजलूम जाग चुके हैं, क्योंकि उनका बेनिफिट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी बात, आपने कहा बिहार में हो चुका है, मैं आपको यहां हमारे बड़े बैठे हुए हैं केसी त्यागी जी, मैं बता दूं आपको, अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव राजनीति से डिस्क्वालीफाई नहीं होते 6 वर्षों तक तो ये बिहार में भी संभव नहीं था। अरे यहां कोई भी डिस्क्वालीफाइड नहीं मान रहा है, मायावती जी भी सोच रही है कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर चुपके चुपके बन जाऊं, ममता भी सोच रही है मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, केसीआर भी सोच रहे मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। अरे वहां तो समाजवादी पार्टी में पिता और पुत्र में घमासान चल रहा है, मुलायम और अखिलेश दोनों लड़ रहे थे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसे में आपको लगता है कि दूसरे को बनने देंगे? सुधींद्र भदौरिया जी, प्रधानमंत्री का दावेदार कौन बनेगा अगर मोदी से मिलकर मुकाबला करना है? आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही। प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा अगर मोदी को हराना है तो? मुझे आवाज नहीं आ रही। चलिए सुधींद्र जी के पास आएंगे फिर से, एक बार काट कर फोन उनका कनेक्ट कीजिए। सवाल भी बड़ा उलझन भरा है, क्या कीजिएगा सुधींद्र भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, इससे पहले कि मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी के पास जाऊं, आपको प्रधानमंत्री का दावेदार क्या दूसरी पार्टी का मंजूर होगा? ये कह रहे हैं कि आप तो अपनी ही पार्टी में नहीं तय कर पाते हैं कि मुख्य चेहरा कौन होगा, लड़ाई छिड़ी हुई है बाप बेटे में, चाचा भतीजे में। देखिए संबित पात्रा जी को बातें करनी आती हैं, उनको पता होना चाहिए, वो जिस विकास की बात करें तो विकास तो उनके एजेंडे में है ही नहीं। जिस गरीब का नाम ले रहे हैं तो मजाक उड़ा रहे हैं, गरीबी का मजदूर का भी। उनसे पूछो कि 4 साल सरकार को हो गए, 1 साल यहाँ यूपी में भी हो गया, एक विकास का नाम गिना दें तो मैं जानूं कि उन्होंने कुछ विकास किया होगा। और जिस तरह के ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनको पता नहीं भारतीय जनता पार्टी तो जहां जाती है वहां पे गठबंधन कर लेती है। आप गए वहां कश्मीर में तो उन्होंने दुश्मनों से गठबंधन, बीजेपी की रणनीति आप मत तय कीजिए ना, आप विपक्ष की रणनीति बताइए। मैं बता रहा हूं, मैं उनका जवाब नहीं दूं। अच्छा मेरे सवाल का जवाब नहीं दूं, वो कुछ भी बोले अगर मैं जवाब दूं तो आप पूछ रहे कि जवाब क्यों दे रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना भाई, आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा, पहले उनका तो जवाब दे दूं। उन्होंने जितनी सफाई से बोल दिया, उनके ऐसा कोई एक दो अगर उनका छोड़ दिया जाए स्टेट, तो हर जगह अगर नॉर्थ ईस्ट में गए तो भी उन्होंने गठबंधन किया, हर जगह 2 सीट आई है मेघालय में तो वहां सरकार बना रहे हैं। नहीं, नहीं, मैंने बीजेपी का एनालिसिस करने के लिए आपको नहीं बुलाया है, मैं रोक रही हूं आपको और फिर से आपसे सवाल पूछ रही हूं। एक सेकंड सर, इस बार सवाल मेरा होगा और जवाब आपको देना होगा। एक सेकंड, आवाज नीचे कीजिए इनकी। सवाल सुनिए मेरा, सवाल सीधा है और वो सवाल ये है सर कि आप लोगों के निजी लालच और महत्वाकांक्षाओं की वजह से इस देश को कभी एक मजबूत थर्ड फ्रंट नहीं मिला। आरोप सीधा है, सीधा जवाब दीजिए कि कौन सा वो एक नाम होगा जिस पर आप लोगों की सहमति बनेगी और हम सोचेंगे कि ये नाम के साथ आप मोदी को चुनौती दे सकेंगे ताकि लोग सोचे कि ये विकल्प है, यहां भी वोट दो। आप देखो जैसे ही कि मायावती जी ने हमें समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू होने लग गया, अब वो प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछने लग गए। अरे भैया परेशान मत हो, सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आपने 24 घंटे बहुत काम कर लिया। अब 2019 में आपको आराम करने की जरूरत है तो आपको पब्लिक आराम करने को दे देगी और पीएम कैंडिडेट हम अपना डिसाइड कर लेंगे, इसलिए हमें बीजेपी से या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सपोर्ट क्या किया 2 उपचुनाव में तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा, नेवला सांप सब दिखाई देने लगा। अभी चिंता मत करो, दिन में तारे भी दिखाई पड़ेंगे। सुधींद्र भदौरिया जी अब जुड़ गए हमारे साथ, थोड़ा सा रुक जाइए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि चेहरा कौन होगा, कौन होगा वो चेहरा जो थर्ड फ्रंट को लीड करेगा, क्योंकि वहीं पर जाके अंत में सारी लड़ाई छिड़ जाती है और बाहर आ जाती है। देखिए अंजना जी, इस समय चुनौती है भारत के संविधान को
यहाँ के सेक्युलरिज्म को, और इसीलिए हम समझते हैं बहन मायावती जी ने अभी लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के साथ समर्थन दिया है। जब 2019 आएगा उस समय की जो चुनौती होगी उसका भी सामना किया जाएगा, पर ये सही है कि संविधान को, सेक्युलरिज्म को एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए। इसलिए ये आवश्यक है कि इस तरह की ताकतें जो भारत के संविधान में यकीन करती हों, आए दिन बाला साहब देवरस कहते हैं कि संविधान को हमें फिर से इसके बारे में सोचना चाहिए, कहते हैं आरक्षण खत्म किया जाए, तो इन सारी सवालों को ध्यान में रखते हुए बहन मायावती जी ने हमेशा वो फैसले किए हैं जो उस समय सामयिक होते हैं, और उस समय की चुनौती को ध्यान में रखते हुए वो हमेशा राजनीतिक निर्णय लेती हैं। आज भी जरूरत है और 2019 का फैसला 2019 में सही समय पर ले लिया जाएगा। ठीक है, जल्दी से आपके पास केसी त्यागी जी, इंतजार करना होगा थोड़ा। केसी त्यागी जी आपके पास, प्रियंका जी उसके बाद फौरन में आ रही हूं आपके पास। केसी त्यागी जी, क्या नरेंद्र मोदी इतने मजबूत हो गए हैं कि वो उनके डर से थर्ड फ्रंट इस बार एकजुट होकर रह पाएगा? अंजना जी, इस समय देश की राजनीति कमोबेश 1971 जैसी है, जब श्रीमती गांधी 350 से ज्यादा सीट जीत करके आई थी और 3-4 साल तक ना तो उनकी लोकप्रियता में कमी आई थी और ना कोई बड़ा विपक्ष का आंदोलन चल पड़ा था। जब जयप्रकाश जी आए 1974 में तब एक वेव शुरू हुई थी, लेकिन आज 2018 में ऐसी स्थिति नहीं बनी है जैसी 1974 में बनी थी। नंबर एक, नंबर दो, उस समय बहुत बहुत बड़े नाम थे, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, बाद में चंद्रशेखर जी और बड़े बड़े नेता थे, लेकिन आज जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी स्थिति ये हो गई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो मुख्य विपक्षी दल है वो नहीं है, उसके टीएमसी के और अन्ना डीएमके के जो एमपीओ की संख्या कमोबेश एक जैसी है। और विकल्प की बात भी कहां से चली है? हैदराबाद से, ये पटना से नहीं चली, ये लखनऊ से नहीं चली, और उसके जो स्वर हैं वो राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने वाले हैं। जिस संविधान की तकलीफ मेरे दोस्त भदौरिया जी को है, तो हम दोनों इकट्ठे जेल में थे, तब ये भूल जाते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है देश में आपातकाल लगा करके सारे संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर रहा था, तो कम से कम देश में आज ऐसा संकट तो नहीं है जैसा मेरे मित्र। ठीक है, जल्दी से एक प्रियंका चतुर्वेदी जी से सवाल ले लेते हैं, जिसका हम ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रियंका जी, सिकुड़ते हुए कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि वो कहां खड़ी है? क्योंकि अगर विपक्ष की थर्ड फ्रंट की बात भी आ रही है, तो जैसा कि वो कह रहे हैं दक्षिण के राज्य से। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी और अलायंस पार्टनर्स का ये जो डिस्कशन है, ये पहली बार नहीं हुआ है। आज देश में अलायंस पार्टीज, रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज अलायंस करकर सरकार चला चुकी हैं, नरेंद्र मोदी से पहले भी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भी, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी, और अटल बिहारी वाजपेयी खुद भी काफ़ी अपनी जो सिमिलर लाइक माइंडेड पार्टीज थी उनके साथ चला चुकी हैं। रही बात सांप और जो सांप की बात कही संबित पात्रा ने, मैं इनको याद दिला देती हूँ, त्रिपुरा में जिन्होंने इनके साथ अलायंस किया है वो अलग त्रिपुरा की मांग कर रहे हैं, त्रिपुरा को ही देश से अलग करने की बात कर रहे हैं। नागालैंड में जिनके साथ सरकार बनाई उनको छोड़कर उन्होंने जो उनके ऑपोजिशन में थे उनके साथ सरकार चलाई है। पीडीपी जो अब तक एंटी नेशनल थी, अब उनके लौट के विपक्ष थर्ड फ्रंट पर आया। सवाल यही है कि क्या थर्ड फ्रंट एक ऐसे मुखिया को चुन पाएगा जो कि सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा? इतिहास कहता है अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि जब जब अध्यक्ष चुने जाने की बात होती है, प्रधानमंत्री का चेहरा चुने जाने की बात होती है, आपसी लड़ाई, लालच और महत्वाकांक्षा के बीच सब लौट के विपक्ष थर्ड फ्रंट पर आया। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसीआर ने यह कहा कि क्यों ना हम साथ मिलकर इस सरकार को चुनौती दें। कई पार्टियां, रीजनल पार्टियां साथ साथ आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी रहेगी, इसी पर प्रियंका, मैं एक सेकंड, प्रियंका जी का जवाब पूरा नहीं हुआ था। प्रियंका जी, आपसे शुरुआत करते हुए आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, उनके नेतृत्व में सब लड़ने को तैयार होते थे क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी थी। राहुल गांधी के नाम पर किस किस को भरोसा होगा? लेफ्ट तक को नहीं है अब तो।
नहीं देखिए ऐसा है नहीं अंजना जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के भी पोस्ट पोल अलायंसेस देखेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता संभाली थी तो उससे ही स्पष्ट हो जाएगा किन्होंने बाद में आकर सपोर्ट किया था, जब भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी। उसी तरीके से कांग्रेस ने भी जब सत्ता संभाली थी तो उस समय पे बहुत सारी अटकने लगाई गई थी कि क्या एनसीपी कांग्रेस के साथ जुड़ेगा, क्या एक्स पार्टी वाई पार्टी इनके साथ जुड़ेगी, पर हमने 10 साल सत्ता संभाली है अलायंस में ही। तो हम नरेंद्र मोदी जी को इतना सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान ना माने कि उनकी वजह से पूरे अलायंस पार्टनर साथ में आएंगे, ये सोचना ही गलत है। जो आइडियोलॉजिकली हमारे साथ अलाइनमेंट में होंगे हम उनके साथ अपना अलायंस करेंगे और आने वाले समय में तीसरा मोर्चा हो दूसरा मोर्चा हो वहां पे कांग्रेस ही लीड कर सामने आएगी। मोदी को इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है डॉक्टर पाटिल। नहीं चलिए मोदी जी को इतना बड़ा नहीं समझते, मैं तो राहुल गांधी जी को ही बड़ा मान लेता हूँ कि सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है। आप ये बताइए अंजना जी, आज कांग्रेस, मैं अहंकार वसत नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ। आज आप लोग मैप दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी आ गई और कहाँ सिमट कर कांग्रेस रह गई है। आज कांग्रेस, अगर मैं कहूँगा कि पंजाब नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, वो आज पंजाब नेशनल कांग्रेस बन गई है। और इसी कारण से कोई भी व्यक्ति ये खुश क्यों हो रहे हैं, मायावती जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया उसमें तो ये नहीं बताया कि हम कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। और अब बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना देखिए, और दीवाना भी कहां से विदेश में बैठ के, यहां तीन तीन राज्य के चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, आज जेट लैग के बाद ट्वीट किया है राहुल गांधी जी ने। ऐसे राहुल गांधी जी को का नेतृत्व तो कोई स्वीकार करेगा? कौन प्रधानमंत्री बनना, कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इनके कुनबे का होगा, भानुमति के कुनबे का? आप जरा सभी से पूछ लीजिए, सभी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, फिर देखिएगा। प्रियंका जी, मैं आप ही का सवाल जो ये पूछ रहे हैं, मुझे लगता है हर पार्टी को, राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार होगा मायावती जी को, सुधींद्र भदौरिया जी? देखिए आपको मैं बतला दूं, जब इस देश के अंदर देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो चुनाव के बाद सब लोगों ने आम सहमति पर देवेगौड़ा जी को माना, इसी तरह इंद्र गुजराल को माना। समय समय पर परिस्थिति वर्ष जो भी बनाने वाले स्वीकार होता है वो अपने आप उभर के आता है। अभी के परिदृश्य में देवेगौड़ा कौन बनेंगे? और हम कहेंगे कि ये अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी का नेता नहीं, अभी हमको नीति और सिद्धांत को मानना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा। भी हमने खराब नीति सिद्धांत कार्यक्रम के आधार पर और मैं त्यागी जी का भी उत्तर देना चाहता हूँ। आज सन 71 नहीं बल्कि सन 77 जैसी स्थिति है जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और आज अघोषित इमरजेंसी है देश में। सर क्यों अघोषित इमरजेंसी कहते हैं? आप टीवी पे बैठ के हमें सुबह से शाम तक गाली देते रहते हैं और कहते हैं अघोषित इमरजेंसी है, काहे को इस तरह की, किस चीज के लिए आप बोलेंगे? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े भाई सुधींद्र भदौरिया जी ने कहा कि संविधान खतरे में, मुझे पता नहीं था कि मायावती जी के भाई का नाम संविधान है खतरे में। तो कानून में आज मायावती जी का भाई है क्योंकि गबन किया, उनके खिलाफ केस चल रहा है, वो जेल भी जा सकते हैं आनंद। तो खतरे में जब वो हो जाता है चोरी करने के कारण, तो संविधान खतरे में। नरेंद्र मोदी जी के भाई नीरव मोदी का नाम है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी बताइए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा सर? नरेंद्र मोदी के देवेगौड़ा कौन होंगे ये तो बताइए, मेरे पे गुस्सा करने से क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी है ना आपके वरिष्ठ कोई नेता है? आप भी सिमट कर रह गए हैं सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को लेकर। चिंता मत करिए, राहुल जी कब हिंदुस्तान आएंगे ये तो बता दीजिए मैडम। एटलीस्ट हम तो याद कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और हम उनके सम्मान राहुल जी कब आएंगे? नेता है नहीं देश में, आप लोग तो टीवी पे पूरे बाण के साथ मेरे पे अटैक कर रही है, बात भी नहीं करना चाहते हैं। आप अपने नेताओं की याद रखें, आप अपने नेताओं का ध्यान दें, अटल बिहारी वाजपेयी को इतना जल्दी ना भूलें। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सिर्फ ये बता दीजिए एक सवाल पूछा गया, आप लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं तो आपका कैंडिडेट कौन है? दो लीडर पार्टी बनकर रह गई है, पर लेकिन ये सवाल तो है ही कि क्या 1 to 10 नरेंद्र मोदी और बाकी के 90% का फैसला अमित शाह पर? दो शख्सियतों के साथ पूरी पार्टी और अंततः जिस तरह से जीत बढ़ रही है पूरा देश से मट रहा है। एक पार्टी से अघोषित इमरजेंसी कह रही है, एक पार्टी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ दो लोगों का राज देश पर चल रहा है। एक पार्टी
अंजना जी, दो परिस्थितियां हैं। एक प्रियंका जी कह रही हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में अपोजिशन पार्टीज का कंसोलिडेशन होगा। ममता जी की पार्टी के जो चेहरे हैं पार्लियामेंट में डेरिक ओब्रायन, उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वो होगा जो देश का किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसे केंद्र सरकार में भी काम करने का अनुभव रहा हो, नंबर एक। नंबर दो, केसीआर ने और ओवैसी ने मिलकर के जो हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी भी दोनों से इतर एक अलग अल्टरनेटिव बनना चाहिए, जिसमें राज्यों को अतिरिक्त स्वायत्ता मिलनी चाहिए। तो ये बीजेपी के खिलाफ मोर्चा नहीं बन रहा, ये तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा बन रहा है। और हम और दोनों भदौरिया जो हमारे मित्र हैं, हम लोग ऐसे तीसरे मोर्चे के जनक लोगों में से हैं। तो ये मोर्चे की जो मूल बुनियाद होती है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ होती है, बीजेपी के खिलाफ नहीं होती है। 99 का भी जब आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं उस संसद में था, तो वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, उसको भाजपा का भी बाहर से समर्थन था और कम्युनिस्टों का भी बाहर से समर्थन था। तो ये जो कवायद हैदराबाद से शुरू हुई है, इसका निशाना नरेंद्र मोदी नहीं है, इसका निशाना कांग्रेस पार्टी और उसका वर्तमान नेतृत्व है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि प्रियंका इसका जवाब दे, मैं चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी आप जवाब दें। जो हैदराबाद से कवायद शुरू हुई है, वो कह रहे हैं कि बड़े परिदृश्य में राजनीति में समझे तो हमेशा थर्ड फ्रंट ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो इस बार भी वही होगा, तब आप किधर जाएंगे? यूपी में 7 पसंद है, उधर जाएंगे इधर जाएंगे, कांग्रेस राहुल गांधी कहां खड़े हैं सर? बड़े 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 आश्चर्य की बात है कि दो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर लड़ रही है, तो देखिए पात्रा साहब के दिल पे दिमाग पे असर हो गया। वो देखिए अच्छा। बोल ही जा रहे हैं, हरे के बीच में बोल रहे हैं, किसी कहां पर्सनल बातों में चले जाए, ये असर सिर्फ दो ही सीटों पे इतना हो गया पात्रा जी। अच्छा, अभी तो 72 सीटों पर जब इलेक्शन होगा तब तो आप, मुझे लगता है डिबेट में आना बंद कर देंगे, इतना घबरा गए होंगे। इतना क्यों घबरा रहे, क्यों इतना परेशान है? परेशान मत होइए, आपकी बौखलाहट पता चल रही है कि आप कितने परेशान है। अगर परेशान नहीं होते आप इस तरह की बातें नहीं करते। हाथी को दीजिए साइकिल, कौन है, किधर है, इधर है, पता नहीं, उलूल जुलूल बोले जा रहे हैं। अरे बात सीधी सीधी सी है कि दलित के पिछड़े के ऊपर जो आपने अत्याचार किया है, जो गरीबों को आपने परेशान किया है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, उसके अंदर कौन लिखता है? एक दूसरे को सपोर्ट करके आपको हटाना चाहते हैं सुबह से, आपको डायलॉग बनेगा, लेकिन आप क्यों परेशान हो प्राइम मिनिस्टर को लेकर? आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं बनेंगे, परेशानी होगी भैया, आप अपना घर संभालिए। राहुल गांधी जी के पास साइकिल वाले कौन है? साइकिल वहां से छीन के लाके हाथ नहीं है, आप हाथी साइकिल चलाएगी, अगर ज्यादा परेशानी होगी तो आपको भी भाग लिया जाएगा, हाथी भी जख्मी होगा, हम क्यों परेशानी हो रहे हैं? इतना परेशान आप हो गए, अभी दो सीट पे ही, दो सीट की बात आती है आप घबराहट शुरू हो गई। आप, मुझे तो लग रहा है आप बेचैन है, दिख रहा है भैया, दिख रहा है कौन बेचैन है, दिख रहा है इतनी बेच, अरे कभी 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 साइकिल पे राहुल की सवारी तो कभी साइकिल पे हाथी की सवारी, बिना सवारी पे साइकिल चलाना कभी सीखा है अखिलेश जी ने? लोगों को कभी सीखा है अखिलेश जी ने बिना सवारी के साइकिल चलाना? कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जो आपने अत्याचार किया है गरीबों पर, उसका रिजल्ट आपको मिलना है। आपने 24 घंटे बहुत काम कर लिया, अब जनता चाहती है आप आराम करो, तो आपको आराम करने दिया जाएगा 2019 में, तो आप आराम कीजिएगा, क्या दिक्कत है उसमें भाई? आराम करने के लिए तो वक्त चाहिए। मैं सैफई महोत्सव जा रहा हूं अंजना जी, जरा आराम करने के लिए सैफई महोत्सव। अनुराग जी, सैफई महोत्सव नहीं, अरे अनुराग जी, हैदराबाद जाइएगा या दिल्ली में कांग्रेस की तरफ जाइएगा, कहां जाइएगा इतना तो बता दीजिए जाते जाते। अनुराग जी जल्दी से बता दीजिए किधर जाइएगा, हैदराबाद की तरफ या फिर, क्योंकि हैदराबाद की तरफ जाने का मतलब होगा कि आप कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए बड़ी मजेदार बात है कि देखिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा ये डिसाइड करने की जरूरत तो हम लोगों को है, वो हम लोकसभा के बाद डिसाइड क्यों नहीं करेंगे? आप देश को क्यों नहीं बताएंगे? आप क्यों नहीं बताएंगे पूछने पे? वो हमारी एक घंटे से आप इस सवाल को टाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी घर पहुंचाना है, पात्रा जी को पतंजलि में पहुंचाना है, जहां आराम करेंगे, अपनी चिंता करें। हम तो सरकार, हम तो मिलकर सब पार्टियां सरकार बनाएंगे, डिसाइड करेंगे कि किसको प्रधानमंत्री नहीं बनाना भाई, हम क्यों पब्लिकली बताएं? कोई पार्टी पब्लिकली क्यों बताएगी? अच्छा पब्लिकली नहीं बताएंगे और पब्लिक से वोट मांगेंगे, बहुत है, एक साल का टाइम बहुत होता है। सुधींद्र भदौरिया जी, इलेक्शन हरा दिया जाता है। सुधींद्र भदौरिया जी, राहुल गांधी का नेतृत्व या थर्ड फ्रंट का कोई अलग नेता बनेगा? मायावती जी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार, बोलिए। देखिए देश में सबसे महत्वपूर्ण है नीति सिद्धांत और कार्यक्रम, और उस नीति सिद्धांत और कार्यक्रम पर जो खरा उतरेगा वो अपने आप नेता आगे आएगा, उसकी आपको और हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। आम जनता सक्षम है, कौन उसका नेता होगा उसको चुन लेगी।
केसी त्यागी जी, ये थर्ड फ्रंट कोलैप्स करेगा या मजबूत होकर खड़ा हो पाएगा? और आपका तो निजी भी अनुभव है आपकी पार्टी का। नहीं, मुझको नहीं लगता है कि आज की तारीख में छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, चूंकि मैं दोनों मेरे मित्र बैठे हैं भदौरिया भाई, कोई भी पार्टी लोकसभा के चुनाव में श्री राहुल गांधी को नेता मान करके चुनाव लड़ेगी, मुझको नहीं लगता है। ये भी नहीं कह सकते दोनों। तीसरा भी ये सवाल उठता है कि क्या क्षेत्रीय दलों का कोई बड़ा गठबंधन बनकर उसका कोई नेता बनेगा? उसकी संभावना भी मेरे 40 साल के अनुभव की जीरो है। ये ऐसा ही चलता रहेगा। और ये जितने हम और संबित पात्रा मोदी जी के हमदर्द हैं, हमारे विपक्षी पार्टी के नेता भी मोदी जी के उतने हमदर्द हैं, चूंकि ना ये गठबंधन बनाएंगे ना कोई चुनौती नरेंद्र मोदी जी के लिए होगी। राहुल गांधी का नेतृत्व केंद्र में कोई नहीं स्वीकारेगा। मैं केसी त्यागी जी का बहुत सम्मान करती हूँ। नहीं, मैं त्यागी जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है। पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जरा अपनी खुद की पार्टी की तरफ अगर झांक कर देखेंगे, जिस तरीके से महागठबंधन राहुल गांधी जी के साथ इन लोगों ने चुनाव बिहार में जीते, और जीतने के बाद ही उनकी अंतरात्मा जाग उठी और उन्होंने सरकार बनाई किसी और के साथ, तो वो जो दोगली बात होती है अब इनके मुंह से नहीं सुहाती हैं। और जब वो 40 साल का अपना वर्णन करते हैं वो भूल जाते हैं, इसलिए इस 40 साल में 10 साल नीतीश कुमार जी ने सिर्फ गाली गलौज की थी नरेंद्र मोदी को। आज की खासियत हो गई है, हर पार्टी का प्रवक्ता अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में छोड़कर हर किसी की एनालिसिस कर देता है, कमोबेश हर कोई यही करता है। डॉक्टर पात्रा, अंतिम बार आपसे पूछते हुए, आपकी पार्टी के बारे में आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास, क्योंकि तख्ता पलट होते हुए इस देश में वक्त नहीं लगता है। देखिए, ना अति आत्मविश्वास तो कभी नहीं, मगर जनता के आशीर्वाद पर विश्वास, क्योंकि जनता की महत्वाकांक्षा के लिए लगातार काम करना है, निज महत्वाकांक्षा के लिए। सब ये जो लड़ाई हो रही है किसके लिए हो रही है? सब परिवारों में सत्ता की लड़ाई हो रही है। मायावती परिवार, मुलायम परिवार, राहुल गांधी परिवार, देश हमारा परिवार है 125 करोड़, उसके लिए मोदी जी लड़ेंगे, जीत उन्हीं की होगी, देश की जीत होगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।